जगत के नाथ बीमार हो गए हैं और इस दौरान भगवान का 15 दिनों तक जड़ी बूटियों से इलाज चलेगा। इसी के साथ जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ भी हो गया है। भगवान के बीमार पड़ जाने से श्रद्धालुओं को अब 15 दिनों तक दर्शन नहीं देंगे। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में मंगलवार की सुबह भगवान के स्नान के साथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। भगवान को मंदिर में औषधियों युक्त जल से भगवान को हजार छिद्र वाले हजारिया घटों से स्नान कराया गया। स्नान के बाद भगवान की आरती उतारी गई और प्रसाद के स्वरूप में भगवान के स्नान में उपयोग होने वाले घटों को श्रद्धालुओं के बीच लुटाया गया। इन्हें लूटने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। भगवान की स्नान यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर के पुजारी राकेश गोस्वामी, पन्ना राज परिवार के राघवेंद्र सिंह, जिला प्रशासन अधिकारियों की उपस्थिति में गाजे बाजे के साथ बैंड की धुन के बीच भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी की प्रतिमाओं को एक एक करके मंदिर के गर्भगृह से स्नान के लिए बाहर निकाला गया। इस दौरान भगवान की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर में मौजूद रहे। मंदिर के प्रांगण में स्थित छोटे मंदिर में भगवान के पहुंचने के बाद वहां पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान को औषधि युक्त जल से स्नान कराया। आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच घट लुटाए गए। मान्यता ये है कि स्नान यात्रा के दौरान भगवान को लू लग गई है और इससे वो बीमार हो गए हैं, जिससे आगामी 15 दिनों तक श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस दौरान भगवान को महाप्रसाद का भोग लगेगा। 15 दिन बाद भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का शुभारंभ 1 जुलाई को जगदीश स्वामी मंदिर बड़ा दिवाला से होगा। ये बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन श्री जगदीश स्वामी मंदिर है और आज के दिन पूर्णमासी के दिन जो है स्नान यात्रा संपन्न हुई और भगवान गर्भगृह से बाहर निकले और उनकी स्नान यात्रा के बाद वो 15 दिनों के लिए बीमार पड़ गए और ये घट हम लोग को मिला है। यहाँ से ये हम लोग लेके जाएंगे, घर में रखेंगे। ऐसे